तो स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से। अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है। जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और उन्होंने आदेश दिया कि पूरे जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लगाया जाए। जैसा कि आप सब जानते हो कि कोविड के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी। और ये लॉकडाउन आज 8 बजे से लेकर 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा और सब रेस्टोरेंट सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। जैसे पिछली बार लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, तो इस टाइम पीरियड में सब कुछ बंद हो जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है जो भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उन्होंने ये ट्रायल बेसिस पे लॉकडाउन अनाउंस किया हो, ताकि वो देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट्स निकल के आएंगे इस लॉकडाउन से। अगर रिजल्ट बेहतर हुए तो हो सकता है इसी तरह 2-3 लॉकडाउन लगाए जाए, कुछ स्पेसिफिक डेज पे लॉकडाउन लगाए जाए। अगर केसेस बढ़ते चले गए तो हो सकता है कि कंप्लीट लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए फिर से हो जाए। तो अभी शायद ये ट्रायल बेसिस के लिए उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि आज 8 बजे से लेकर 26 तारीख की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तो दोस्तों जहाँ पे भी अगर आप बाहर जाएं तो अपना पूरा ध्यान रखे जाए, पूरी सेफ्टी के साथ जाएं, हाइजीन इश्यूज का ध्यान रखें, मास्क वगैरह पहन लें। फिलहाल तो मैं घर में हूँ तो मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन इश्यूज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कोविड है नहीं, लेकिन भाई साहब जिन लोगों को कोविड हुआ है ना, कुछ लोगों के साथ बहुत ही बुरा सीन चल रहा है। वो बेचारे लगातार सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह डाल के भी अपना हाल सुनाते हैं कि उनकी कितनी बुरी हालत है। तो सारे अपना ध्यान रख, जैसे ही अगर कोई नई अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं रवि कुमार लेता हूं इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।